हे बॉस, इंडियन आइडल देख रहे हो या नहीं? इंडियन आइडल देख रहे हो? नहीं देख रहे हो? मुझे नहीं पता। अगर आप देख रहे हो तो नीचे में बताओ, कमेंट सेक्शन में जाकर के। नहीं देख रहे हो तो वो भी बताओ। मुझसे पूछोगे तो भाई मैं देख भी रहा हूँ और नहीं भी देख रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखना और सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग यार भावनाओं में बह जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अजमत भाई के बारे में पूरी डिटेल, कि भाई आने वाले टाइम पे वो क्या करने वाले, कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं तो उसी के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बता दूँ आप क्या देख रहे हो। आप देख रहे हैं ऐड इन्फो टीवी, मैं हूँ मिस्टर जीरो। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बता दूं इंडियन आइडल में चल क्या रहा है। हाँ भाई, ये वीडियो अगर वो लोग देख रहे जो अजमत भाई को पसंद नहीं करते तो उनकी बहुत ज़्यादा जलने वाली है। क्यों? क्योंकि अजमत भाई हर वैरायटी में गाना गाने का सोच रहे होते हैं, हर तरह के गाने को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में गाने का सोच रहे होते हैं। लेकिन जिसके वजह से अजमत भाई को जो है वहाँ से एलिमिनेट करके, बहाने से एलिमिनेट करके निकाला गया है, वो भाई साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ। दैट्स सनी मलिक, यानी सनी हिंदुस्तानी। काफ़ी अच्छा गाते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान मतलब बहुत ही दमदार गाते हैं। नुसरत साहब को ऐसा गाते हैं कि मानो यकीन मानो कि जैसे आत्मा आ गई हो उनके अंदर में। एंड दैट्स परफॉर्मेंस ऑसम। उसके अलावा अगर कोई परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इट्स लाइक अ बुलशिट। वो जितने भी गाना ट्राई करते हैं ना, अब ये मत बोलना कि यार देखो वो गाना ट्राई तो करता है। भाई ट्राई करते हैं लेकिन वो उसमें सफल बिल्कुल नहीं होते, एकदम नहीं होते, मेरे हिसाब से तो नहीं होते। हाँ, अगर इसको जिताने में लगे हुए हैं सनी हिंदुस्तानी को, तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ उन सारे व्यूवर्स को, उन सारे ऑडियंस को जो सनी हिंदुस्तानी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। भाई बता देता हूँ, होश में आओ थोड़ा, मतलब उस औरा से थोड़ा बाहर आओ। अगर कहते हो ना कि अजमत हुसैन डिज़र्व नहीं करता था इंडियन आइडल जीतना, तो सबसे पहली बात उनमें जो क्वालिटी है वो किसी में है नहीं। और अगर उनको अगर कोई टक्कर देने वाला होता, अगर उस एलिमिनेशन में अगर सामने में रोहित राउत होता और यहाँ पे अजमत हुसैन होता, अगर वहाँ से उनको अगर एलिमिनेट किया जाता तो हजम होता, दिल को शांति मिलती कि हाँ यार कोई बंदा था टक्कर के लायक, और उस बंदे के सामने में तो यार चलो ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इनका ग्राफ नीचे है और अपना राउत जो है, रोहित राउत का परफॉर्मेंस ऊपर है, तो भैया ये हजम होता था। लेकिन लगता ऑडियंस को सनी हिंदुस्तानी के बारे में कुछ ज़्यादा ही इमोशनल स्टोरी दिखाया गया है, जिसकी वजह से सनी हिंदुस्तानी को बहुत टॉप पे ले जाने की कोशिश किया जा रहा है। और पता है जब भी वो गाना गाते हैं ना, तो गाना गाते समय में एक बेफजूल का एक ऊंचा सुर लगाते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी होती है। जहाँ से लोग उनको वाहवाही करना शुरू करते हैं ना, वो उसी लेवल से और एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं कि और उससे ज़्यादा वाहवाही मिले। लेकिन गला फाड़ करके सिर्फ चीखने को ही सिंगिंग नहीं कहते बॉस। मतलब जैसे कि इंडियन आइडल शुरू होने से पहले भी एक शो चल रहा था द सिंगिंग स्टार, और वो सिंगिंग स्टार में जिसमें अपने हिमेश भैया बैठे हुए थे, उसमें एक लड़की थी, हाँ द चब्बी गर्ल, उसको इतना ज़्यादा तूल दिया गया था ना कि इतना अच्छा गाती है पर वो हर गाने के बीच में ज़बरदस्ती का एक लहर डाल देती थी, और कोई भी सुर हो उसके अंदर में लहर करके लाती थी ना, और लोगों को लगता था वाह क्या गाती है। सबसे पहली बात, अगर आपको गाना सुनने के आप शौकीन हो तो एक चीज़ बता देता हूँ, गाना ज़बरदस्ती का खींच करके उसको डिफ़िकल्ट बना करके सामने वाले को पेश करने से वो एक अच्छा सिंगर नहीं होते। जबकि गाना जितने सिंप्लिसिटी से गा करके उसके वर्ड्स को एक्सप्रेस किया जाता है वो मेन होता है। तो अजमत भाई की परफॉर्मेंस हमेशा से जेन्युइन और बहुत ही एकदम कहते हैं ना कि हाँ ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ये मान सकते हैं। और ज़बरदस्ती का बढ़ाना किसको कहते हैं? सनी हिंदुस्तानी से सीखो। और अगर टैलेंट को एक्सटेंड करना कहते हैं तो वो रोहित राउत से सीखना चाहिए। रोहित राउत ने इस हफ्ते में एक बहुत ही अच्छा गाना गाया जो कि फार बेटर देन फ्रॉम द ओरिजिनल सॉन्ग। हाँ, ओरिजिनल सॉन्ग जो था बदतमीज दिल, उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट लेवल पे गाया है। और ऐसा लगा कि काश ये गाना अगर मूवी में होता, इस तरह से इस स्टाइल में होता, तो क्या बात होती। इसको कहते हैं स्ट्रेच करना, ना कि सनी हिंदुस्तानी को। और मेरे हिसाब से भाई इट वॉज नॉट अ परफॉर्मेंस, इट्स जस्ट अ कॉपी ऑफ अ सिंगर। ठीक है, अब बात करता हूँ अजमत हुसैन के बारे में कि अजमत हुसैन जी ने क्या कहा है। गुजराती न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि उन्होंने पूरे के पूरे सोनी टीम को थैंक यू कहा है कि उन्होंने जिस तरह से मुझे एक बार मौका दिया और वो मौका को मैं इतने देर तक होल्ड करके रखा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक टाइम था जब मैंने ये सोच लिया था कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वहीं पे सलमान अली ने उनको सपोर्ट किया, और सलमान अली को जब उन्होंने स्टेज पे गाते हुए देखा था इंडियन आइडल 10 पे और उनको जीतते हुए देखा, तब उनके अंदर से एक होप आया कि मैं भी कर सकता हूँ। और सलमान अली ने ही जो है उनको सपोर्ट किया था कि यू कैन डू इट एंड गो फॉर इट। तो भाई वहाँ पे अजमत हुसैन ने ये चीज़ कहा अपने इंटरव्यू में। अब उनका कहना है कि मैं इंडियन आइडल में जब तक भी रहा हूँ, सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उनके वजह से मेरा हौसला बना। दैट्स मीन कि आप लोग भी वही इंसान हो जिन्होंने इनको हौसला दिया यहाँ तक को होल्ड करने के लिए, उनके अंदर में एक स्ट्रांग
बॉन्डिंग की जरूरत थी, एक प्यार की जरूरत थी, वो आप लोगों ने दिया एज एन ऑडियंस। और अब वो वापस आने वाले हैं अपने एक नए सॉन्ग के साथ में, जो सॉन्ग भी उन्हीं का होगा, वीडियो भी उन्हीं का होगा। एंड इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई वो जो लाने वाले हैं, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट। हम लोगों से अब इंतज़ार नहीं हो रहा, हम लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कब क्या करने वाले हैं। वैसे एक फुटेज है, वो फुटेज मैं दिखाऊंगा, मेरे पास में अभी फ़िलहाल मतलब किसी और का है तो उसको मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन वो फुटेज मैं जेन्युइनली लेने वाला हूँ ऑफिशियली, और लेने के बाद वो फुटेज डालूंगा जिसमें अजमत हुसैन अभी अपने गाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आने वाले गाने को जब वो प्रोड्यूस करने वाले, जिसमें वो एक वीडियो बना के यूट्यूब में लाने वाले हैं, उस गाने का एक छोटा सा रिहर्सल मैं लेकर के आऊँगा। तो स्टे ट्यून, अगर आपको जानना तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखो और बेल का बटन दबा लो। कोई ये मत बोलना कि मैं कमा रहा हूँ, इट्स अ फैन फैक्ट, नहीं समझ सकते, जो फैन नहीं है उनको नहीं समझ में आएगा। मैं काफ़ी टाइम से अजमत हुसैन के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जब अजमत हुसैन के ऊपर मैं फर्स्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया था, उस वीडियो के थंबनेल पे ही लिखा हुआ था कि अजमत हुसैन इंडियन आइडल हारेंगे और उनको बीच में से निकाला जाएगा, क्योंकि वो TRP के पात्र है, लेकिन ये लोग उनको समझ नहीं पाएंगे और उनको निकालेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने यहाँ पे लिंक में दे दिया है, प्लीज़ जाकर के देखो, यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, और वहाँ पे से जाकर के देख सकते हो कि अजमत हुसैन के फर्स्ट वीडियो जब मैंने बनाया था अजमत हुसैन के लिए, तो उसमें मैंने क्या कहा था। तो यार चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में अजमत हुसैन के, और यार बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ इसके अलावा, अजमत हुसैन के अलावा भी, वो वीडियो भी देख लिया करो। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, साइनर एंड अस्ता ला विस्ता।